ये कि एक ख्वाहिश होती है कि बंदा लॉर्ड्स का अपना एक नाम है उस बंदे का, जो भी प्लेयर होता है उसके ख्वाहिश होता है कि मैं लॉर्ड्स में खेलूं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूं। तो ये है कि पहले से ये ड्रीम था वैसे कि मैं लॉर्ड्स में अच्छे भी मैच खेलूं और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूं। Wicket, huge wicket for Pakistan. It's that man once again, Yasir Shah. He's been phenomenal. देखिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा ये तो एक्साइटेड भी था क्योंकि लॉर्ड्स में पहली दफा इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेल रहा था। तो ये कि जहाँ के ग्राउंड के जब अंदर आया हूँ तो अजीब सी फीलिंग थी कि मेरे सोच में यही था कि मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके जाना। Outside the line, but it's an angle check. No, he's given it. Yasir Shah, he kisses the turf because he thinks he's on the honours board. Mushtaq Ahmed, there you go. Nice applause for young Yasir Shah. ये कि उस वक्त कोशिश यही कर रहा था कि टीम के लिए करें और शुरू में पहली इनिंग में तो ऐसे मेरा सोच यही था कि मैं फास्ट बॉलर को सपोर्ट करूं क्योंकि यहाँ की कंडीशन फास्ट बॉलर के लिए अच्छी होती है। लेकिन शुरू के 3-4 ओवर मैंने किए तो पिच मेरे लिए हेल्पफुल था और उसमें अच्छी बॉलिंग हो रही थी तो अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर उसके बाद मैंने टेक किया और अल्लाह ताला ने 5 आउट कराए। वाओ, इट्स वर्क्ड। यासिर शाह हैज गॉट थ्रू। या मैंने बड़ा इन्जॉय किया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे क्राउड, पहली दफ़ा टेस्ट में मैंने इतना क्राउड देखा और वो थोड़े से दिल में और ज़्यादा वो आ गई कि मैं यहाँ पे अच्छे परफॉर्म करके यहाँ के लोगों के दिल भी जीत लूँ। There you go. It's almost done for Pakistan. Yasir Shah has 10 wickets at Lord's in a test match. A remarkable achievement. लाजमी बात है ये अच्छी परफॉर्मेंस है और अपने टीम को जिता दूँ ताकि ये नाम रहे यहाँ पे इंशाल्लाह।